महाराष्ट्र से आशा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, हाँ जी नमस्ते हकीम साहब जी। जय हिंद। स्वागत आशा जी आपका बहुत बहुत। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। सर मैंने पिछले मंडे को आपसे बात की थी, वो मेरे मुंह में छाले और घाव वगैरह हो गए थे, इसके लिए आपने मल्टी विटामिन और आयरन के इंजेक्शन बताए थे। तो सर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी लगवाने, तो उन्होंने कहा कि पहले आप पूरी टेस्ट कराओ आयरन विटामिन की, और अगर आप ये इंजेक्शन लगवाओगे तो बोले एलर्जी वगैरह हो सकती है, तो सर उसके लिए क्या करना है। और सर मेरा दूसरा सवाल है, आप जो 6 चीजों का नुस्खा बताते हैं सर, आंवला मेथी वगैरह, तो उसमें ये आंवला मिला मिक्स कर सकते हैं क्या? ठीक है। और सर मेरा तीसरा सवाल है, मेरी एक फ्रेंड है, तो जब वो बाथरूम के लिए बैठती ना तो उनके अंदर का भाग थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो सर उसके लिए क्या करना है। ठीक और सर मेरा एक सवाल और है, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज है क्या वो अलसी का सेवन कर सकते हैं सर? ठीक है ठीक है। तो देखिए, जो आपकी दोस्त है, जो बाथरूम करते वक्त कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, उसके लिए गौंद चिलगोजा एक चुटकी खा लें, असली जो गौंद चिलगोजा, और दूध पी लें, एक कप भी पिए चाय या एक गिलास पिए, ऐसा आप कम से कम एक बार ज़रूर करें, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और अगर उनको पेट का भी रोग है, एसिडिटी, गैस, कब्ज़, बवासीर ऐसा भी है, तो फिर वो सौंफ और अलसी और धनिया, इसको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और इस पाउडर में एक चुटकी ये गौंद चिलगोजा मिलाकर एक चम्मच में ये ले लिया करें, तो पेट भी इससे अच्छा हो सकता है। हार्ट ब्लॉकेज में खून से चर्बी निकालने की दवाएं ली जाती हैं, हालांकि अलसी भी खून की चर्बी को कम करती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप चाहें तो ले तो सकते हैं, लेकिन एक नुस्खा जो मैं बेशतर बताता हूँ, देखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन नुस्खा, मैं इसको अपने अनुभव के अनुसार मानता हूँ, ये सिरका, जैतून का असली, और अदरक महाराष्ट्र में पैदा होती है, अदरक का जूस 1 लीटर, नींबू का जूस 1 लीटर, और लहसुन का जूस 1 लीटर, और असली जैतून का सिरका, ये आपस में मिला दें 1-1 लीटर को, और 3-3 चम्मच 3 बार खाने के बाद रोज़ाना लेना है 6-7 महीने तक, तब हार्ट ब्लॉकेज को फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल था? दांत की जो दिक्कत है हकीम साहब। अच्छा, देखिए, डॉक्टर्स भी आजकल टेस्ट कराने में ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ऐसे टेस्ट में कुछ कमीशन भी उनको आ जाता है, और टेस्ट अगर ज़रूरी हो तो कराना चाहिए। वैसे तो डॉक्टर को समझ में आ जाना चाहिए आपके हाथ के नाखून या हथेलियाँ या आँख का जो ये हिस्सा ऐसे करके देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि मल्टीविटामिन और आयरन की कमी है। ये चीज़ें लाल होती हैं, नाखून या हथेलियाँ या ये हिस्सा आँख का, तो ठीक है, और ज़्यादा लाल नहीं है तो फिर लगवा सकते हैं। वैसे ये इंजेक्शन बगैर उसके भी लगवा सकते हैं, आप ज़रूरत के भी लगवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर टेस्ट कराने चाहते हैं तो टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, और कभी कभी टेस्ट होना चाहिए हमारा, कि हमारे खून में क्या क्या कमी है, क्या क्या ज़्यादा है, तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप टेस्ट करा कर भी लगवा सकते हैं। और क्या सवाल है? एक आंवले का पूछा था, 6 चीज़ों के अंदर आंवले का इस्तेमाल। हाँ, आपको वो 6 चीज़ों के मिश्रण में आंवला भी, अगर ज़रूरत हो तो
उसकी बराबर की तादाद में मिला सकते हैं। जी, अंबाला से हैं नवनीत जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बताएं, सवाल करें, बोलिए। हेलो मैम, मैंने ना अपनी सास के लिए पूछना था मैम। किस चीज़ के लिए? मेरी जो मदर इन लॉ है ना मैम, हाँ हाँ, उनके लिए सवाल है मेरा। पूछिए। उनकी ना जो ये गर्दन के नीचे ना, जहाँ जहाँ पे मैम जैसे कॉलर बंद करते हैं, बटन लगाते हैं, जो गर्दन वाली साइड, वहाँ पे ना एक साइड में उनकी हड्डी बड़ी हुई है ऐसे। अच्छा, इस साइड की? एक राइट साइड में मैम। राइट साइड, ठीक है, जहाँ बटन लगाते हैं उसके साइड की हड्डी बड़ी हुई है। जी जी, वो ना बहुत ज्यादा मतलब ऐसे फील होती है जैसे गोल गोल वगैरह ऐसे है मैम। दर्द होता है तो? नहीं मैम, दर्द नहीं होता, बस ऐसे ही वो बढ़ रही है। वैसे हकीम जी के सब नुस्खे भी यूज करती हैं वो किस वजह से बढ़ी हुई है, अगर डॉक्टर को दिखाएं तो मतलब वो बोलते हैं कि ऑपरेशन चाहिए। ठीक है मैम। अच्छा देखिए, वैसे आमतौर पर तो ये हड्डी नहीं बढ़ती, कभी इस पे स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग है तो स्वेलिंग की दवा आप ले सकते हैं। अच्छा, कभी कभी इस जगह पर कोई मामूली सी गांठ हो जाती है चर्बी की, तो ये तय करें कि वो वाकई हड्डी बढ़ी हुई है, हड्डी मोटी हो रही है, उस पर कोई गांठ है। अक्सर हड्डी और पसली पर कोई गांठ अगर हो जाए तो ऐसा लगता है, तो आप चाहें तो उसका एक्सरे भी करा सकते हैं और जो भी उसका रिपोर्ट आए उसको शेयर कर सकते हैं, वरना स्वेलिंग है तो स्वेलिंग की दवाएं आप लेकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नमक जैतून एक चुटकी और खाने का सोडा एक चुटकी लेना शुरू करें पानी में मिलाकर, मुमकिन है उससे उनको फ़ायदा हो जाए। मलीना, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। मलीना जी स्वागत, बहुत बहुत जय हिंद। डॉक्टर साहब आपसे बात करने से, मैडम से बात करने से बहुत मतलब मन खुश हो जाती है, पता ना क्यों। डॉक्टर साहब एक सवाल है आपसे। जी। सारी दवाई तो हमारे चल रहे हैं आपके, मगर रात को जब मैं सो जाती हूँ तो आधी रात की बात, ये जो रिस्ट है मतलब हैंड रिस्ट, हाथ की जो ये जो मतलब रिस्ट है ना, तो पूरी उंगली में मतलब सुन हो जाती है, झंझनाहट सी होती है, मतलब जैसा बहुत टाइम पैर रखने के बाद जैसे सुन हो जाती है, ऐसी रात में सोते सोते नींद में ही मतलब हाथ की बिल्कुल सुन हो जाती है, झंझनाहट सी होती है, ऐसा लगता है ब्लड जाम हो गया या क्या पता ना, और एकदम आँख खुल जाती है। तो रात में कई कई बार हो जाती है ये, तो नींद भी नहीं आती है फिर इसके बारे में, दिन में भी एक आध बार हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप कुछ बता देंगे तो मैं लिख लूंगी। और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, दांत में जो दाग दांतों में जो मेरे पानी लगती थी, तो आपने कहा स्पीड लगा लो असली वाली, तो मैंने लगाया तो मुझे बहुत आराम मिला और जो परेशानी थी वो दूर हो गया। तो डॉक्टर साहब अभी भी कभी कभी लगाना चाहिए नहीं? ठीक, तो मैं लगा रहा हूँ, कोई नुकसान तो नहीं डॉक्टर साहब? और तीसरी बात ये है डॉक्टर साहब, ये बाल जो झड़ रहे हैं, अभी उम्र तो हो गया डॉक्टर साहब, इसमें तो बाल झड़ेंगे, मगर इसके रोकने की कोई उपाय नहीं है? गंध मरेगा तो जल रहा है डॉक्टर साहब, उम्र तो हो गया 50+, तो ये जो बाल झड़ रहे हैं, हमारा बाल झड़ना थोड़ा बंद हो जाएगी नहीं? कितनी कितनी उम्र हो गई डॉक्टर साहब? हमारी उम्र तो हो गया 50+, 55+। ठीक है ठीक है जी, हाँ अभी तो रुक सकते हैं, ऐसा कोशिश करेंगे तो। गॉन बोरिंग आप ले ही रहे हैं, कभी कभी नारियल पानी से ले लिया करिए गॉन मोरिंगा, तो इसके बाल भी आपके रुक सकते हैं। देखिए मैं तो 60+ हूँ तकरीबन 65 साल, तो मेरे अभी तक बाल हैं, मैं ये लेता हूँ और नारियल पानी भी लेता हूँ, तो मेरी उम्र के लोगों के बहुत बहुत कम के ही बाल होते हैं, तो अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, अपना ख्याल रखिए तो बाल आपके रहेंगे। और क्या दांतों में जो आपने स्प्रिट बताई थी, तो अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आराम तो है इन्हें? देखिए आपको आराम हो गया, अब रोज़ नहीं, कभी कभी इत्तेफाक से आप लगा लिया करें, फिर एक हफ्ते बाद लगा लिया, फिर एक हफ्ते बाद लगा लिया, तो रोज़ ना लगाएं। अब तो आपको भगवान ने फ़ायदा दे ही दिया है,
और क्या सवाल है? तीसरा सवाल है, जो इनकी कलाई है ये ज़्यादा देर तक रखती हैं तो उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। हाँ अच्छा, देखिए दो चीज़ें होती हैं इंसान के शरीर में। एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऐसे लोगों की वो सुन होती है, या जिनके नसों में और पट्ठों में ताकत कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, उनको सुन होता है। कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए नमक जैतून और खाने का सोडा लीजिए कुछ दिन, और अगर नसों की प्रॉब्लम है तो गौंसिया आधा ग्राम रोज़ लीजिए, पानी से या दूध से, कम चर्बी के दूध से कुछ रोज लेंगे तो आपको फायदा मुमकिन है। जी, कुरुक्षेत्र से सुधा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है मैम आपका। बेटी आप कैसी हैं? मैम मैं बहुत बेहतर हूँ, आप कैसी हैं, आपकी सेहत कैसी है? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया बेटा, आपकी दुआओं में रहती हूँ हर वक्त। आप दोनों का हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। बेटी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया मैम, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। शुभक्ता और आप दोनों ही बहुत प्यारी हैं, शुभक्ता उर्दू चैनल की और आप हिंदी चैनल की, बहुत प्यारी अदाकारा है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। सर मेरा एक सवाल भी है और आपका शुक्रिया अदा भी करना है। जी जी, सवाल ये है सर, जो चीज आप बताते हैं ना मार्केट में या तो महंगी हो जाती है या मिलती नहीं है। जी आपने हर चीज के भाव बढ़ा दिए। अलसी कोई पूछता नहीं था 40-50 रुपए मात्र मिलती थी, अब 150 रुपए किलो में भी नहीं मिलती। पूरी दिल्ली में मैंने उनाप छनवा लिया लेकिन कहीं नहीं मिला, मिला है लोगों ने स्टोर कर लिया तो उसमें से स्मेल आती है, मिल ही नहीं रहा। तो मैंने धोके भी देखा, मैंने कहा शायद काम आ जाए, धोके देखती हूँ उसकी स्मेल निकल जाए, जैसे फनाइल वगैरह रखने के लिए करते ना, स्टोर करने के लिए कर लेते हैं तो उसकी स्मेल नहीं निकली, तो बड़ी परेशानी हो रही है सर। आप ये बताइए उसकी जगह कुछ और यूज करें, 26 साल भी मिला है वो बेकार सा। वो तो खैर चलो मैंने लुसेड़े का मंगा करके सुखा लिया था गर्मियों में। एक तो ये बताइए कि आप उन नाप की जगह कुछ और डाल सकते हैं क्या? कहीं नहीं मिल रहा मुझे, पिछले साल भी नहीं मिला था, अच्छा नहीं मिला, बेकार सा मिला था, अब तो मिल ही नहीं रहा। और दूसरा ये है सर, मेरे को जो मतलब सर्वेंट ही था पहले हमारे यहाँ काम करा करता था हमारा मुलाजिम, उसकी बेटी को टाइफाइड हो गया और टाइफाइड बुरी तरह से बिगड़ गया उसका। आप थे नहीं गांव में थे तो मेरे पास आई कहने की मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। मैंने कहा इसको ऐसे करो, पहले टेस्ट करो, उन्होंने कहा तो टाइफाइड है और ज्यादा बिगड़ गया, कह रहे इंजेक्शन लगेंगे बहुत महंगे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा। मैंने कहा चिंता ना करो मैं करती हूँ, पहले करो नहीं तो इंजेक्शन में लगवा दूंगी। मैंने उन्हें सर वो दिया जैतून का नमक दिया, एक मीठा सोडा और चुटकी डाल के 2 टाइम उनको वो दिया और नारियल पानी खूब पिलाया उनको, फल पे मतलब फल खिलाए, उनका मुंह सारा पक गया, सूज गया था, खाया नहीं जा रहा था। मैंने कहा नारियल पानी पिलाओ जितना पिला सकते हो, और उनको बेल पत्थर का मुरब्बा दिया जी। सर आप यकीन जानिए वो लड़की बच गई। ये हालत हो गई थी कि अध मरी, वो चल नहीं सकती थी, वो बैठ नहीं सकती थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बताते हैं उसके याद था मेरे को, मैंने उसका बताया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। सच में आपके नुस्खे इतने कारगर हैं, लोगों को जान डाल देते हैं। बिल्कुल, मैंने सोचती हूँ गरीब औरत क्या करती, कहाँ से लाती पैसा, कैसे करती अपना इलाज। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल था उन्नाव को लेके। हाँ देखिए उन्नाव तो मिलते हैं वैसे मार्केट में, और कहीं ना मिले तो हमारे यहाँ से भी तलब कर सकते हैं आप, ठीक ठाक ही उन्नाव हम लोग रखते हैं, हो सकता है मिल जाए उन्नाव। तो एक तो ये, दूसरा शुक्रिया तो दरअसल आपका, और कितना भगवान आपको इसका पुण्य देगा हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कि किसी गरीब का अपनी तरफ से इलाज कर देना कितना कितना भगवान को खुश करने वाला है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हमारी जो बख्शिश होगी वो इसलिए नहीं होगी कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत
लोगों की मदद करते हैं, अमीरों की मदद पे नहीं होगी शायद, किसी गरीब की मदद पे होगी। अमीरों की सब मदद कर देते हैं, गरीब की कोई नहीं करता। आपने गरीब की मदद की है, यकीन करें कि ये जो हम लाखों रुपए अमीरों पे खर्च करते हैं उनकी नज़र में अहमियत ही नहीं है, और ये जो 200-400 रुपए गरीबों पे खर्च कर देते हैं ये उनके लिए लाखों की जगह करोड़ों के बराबर है, क्योंकि उनके पास है नहीं। और ज़िंदगी में ऐसा काम करते रहना चाहिए कि किसी गरीब का जब कोई रास्ता ना हो तो आप अगर इस लायक हैं कि उसके लिए कोई रास्ता बना दें, चाहे सेहत के ताल्लुक से हो या तालीम के ताल्लुक से हो, ज़रूर बनाया करें। इससे आप और हम भगवान के यहाँ मुँह दिखाने के लायक हो जाएंगे।